सूर्य यंत्र, व्यापार यंत्र टंगी होती, क्या ये यंत्र वाकई में काम करते हैं? अगर आप सोचें कि एक यंत्र ले जा करके अपने घर पे रख करके आप पंडित जी को बुलाएंगे और वो चार माला बोल करके थोड़ा सा हवन करके जाएंगे, यंत्र प्रतिष्ठित हो गया, असंभव बात है। अच्छा, मतलब एक यंत्र जब हम किसी से प्रतिष्ठित करके लेते हैं तो 27 दिन तक उसमें असर रहता है, और फिर उसके ऊपर डेली या वीकली आपको मंत्र उच्चारण देना ही पड़ता है। क्या यंत्रों में पहचान करने का कोई तरीका है? यंत्र की पहचान सोने की पहचान से भी मुश्किल है। एक समस्या के लिए एक यंत्र या कुंडली देखने के बाद बताया जाता है कि ये यंत्र आपको लेना चाहिए? ये दर्जे कुंडली देख के भी बताया जाता है कि इस वक्त में ये खराबी चल रही है और ये वाला यंत्र तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सब यंत्रों के लिए एक ही तरीका होता है या हर यंत्र के लिए अलग अलग तरीके होते हैं? पहली बात तो ये गलत है कि इन यंत्रों के लिए जितना बढ़िया यंत्र उतने ज्यादा पैसे, नहीं ऐसा नहीं होता। डिपेंड ये है कि ये है क्या, तुम इससे चाह क्या रहे हो। किसी को कुछ खिला दिया और आपके ऊपर जो है काला जादू हो गया या सफेद जादू हो गया, जो भी जादू होता है। सबका भूत उतारने वाले तुमने बहुत देखे होंगे। मेरे को वो दरबार दिखा जो कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे इस आदमी का सत्यानाश कर दूंगा, तुम्हारे सामने बैठे बैठे करूंगा। एक दरबार करने का नहीं है, उतारने के हजारों दरबार। तो ये कौन सी प्रोडक्शन मशीन लगी हुई है जो इतनों को बीमार कर रही है? नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड मेरा तो फेवरेट होने वाला है, आप सभी का भी फेवरेट होगा, क्योंकि जब भी हमारे शो में कोई गेस्ट आते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप सभी बड़े खुश हो जाते हो। तो आज भी यही होगा। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, गुरुदेव जी डी वशिष्ठ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए और आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। माता रानी सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और फिर से सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार है, क्योंकि आप जब भी आते हैं ना और जब आपकी वीडियो जाती है तो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल लिखते हैं। गुरुदेव, तंत्र मंत्र की हर जगह बात होती है, यंत्रों की बात जरा कम होती है, तो आज हम कोशिश करते हैं कि हम यंत्रों पे ही बात करें। तो हर जगह पे, जैसे ऑफिसेज में या घर में अक्सर देखा जाता है कि कोई चीज़ टंगी होती है, जैसे सूर्य यंत्र, व्यापार यंत्र, मुझे तो दो ही नाम अभी तक पता है, ऐसे बहुत सारे यंत्र होते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि क्या ये यंत्र वाकई में काम करते हैं? रजी, यंत्र काम करता है। यंत्र मोबाइल भी एक यंत्र है, टीवी भी एक यंत्र है, कैमरा भी एक यंत्र है, लेकिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये बेकार है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से धातु की प्लेट पे बना हुआ, भोजपत्र पे बना हुआ, या पूरा स्ट्रक्चर धातु का बना करके उसको यंत्र की शेप देकर के तैयार करना बहुत आसान है, दुकानों पे खूब मिल रहे हैं। लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक जैसे तुम एक ओरिजिनल ब्रांडेड चीज़ लो और एक कॉपी लो तो फ़र्क साफ नज़र आता है, ठीक है। कॉपी कॉपी नज़र आती है, ब्रांडेड चीज़ उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा है। इस प्रकार से ये यंत्र होते हैं कि एक जानकार ही बता सकता है कि इस यंत्र के अंदर कौन सी धातु कितने वजन की और कौन सी लिखावट और वो किस तरह की। पहले तो ये एक एक्सपर्ट ही इस चीज़ को जांच सकता है, पहले ये होना बहुत ज़रूरी है। हर यंत्र की शेप लिए हुए चीज़ यंत्र नहीं होती, ठीक है ना। जैसे अगर हम टीवी के बाहर का ढांचा बना ले, अंदर कुछ ना हो, तो वो भी काम खराब होता है। इसी प्रकार से यंत्र है कि उसके अंदर धातु, उसका वजन भी मायने रखता है, ठीक है, सिर्फ एक ठप्पा नहीं मायने रखता। तो यंत्र ये हो गया। अब उसके अंदर उसको चार्ज करना, यानी कि प्राण प्रतिष्ठित करना, ये एक अच्छे आचार्य के ही बस की बात है। अगर आप सोचें कि एक यंत्र ले जा करके अपने घर पे रख करके आप पंडित जी को बुलाएंगे और वो चार माला बोल करके थोड़ा सा हवन करके जाएंगे, यंत्र प्रतिष्ठित हो गया, असंभव बात है। अगर आपने एक लक्ष्मी यंत्र को ही सिद्ध करना हो तो कम से कम 88 दिन का समय चाहिए। अगर खास दिन नहीं है तो 88 दिन लगेंगे, और एक बंदा, कम से कम एक बंदा, उसका पूरा ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, पूरी शुद्धि के साथ वो अपने स्थान को नहीं छोड़ सकता। कहने का मतलब जिस प्रोविंसेस में कर रहा है वो उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि बाहर जाएगा तो कोई ना कोई कीटाणु लेके आएगा, बाहर की दूसरी हवा लेके आएगा, उसका ध्यान भंग होगा, वो सारी चीज़ें। और फिर उसने अगर दोनों टाइम उनके लिए प्रक्रियाएँ करनी है तो उसके लिए सामग्री भी लगेगी,
और जब ये 88 दिन और प्लस सामग्री जुड़ जाती है तो वो जो यंत्र आपने लिया था मैक्सिमम कितना 4-5 हज़ार 2 हज़ार 2,500 शायद 500 में भी तैयार हो जाए, उसका खर्चा बैठ जाता है कम से कम भी मैं लगाऊं तो 2.5-3 लाख रुपए से नीचे सिद्ध नहीं होगा। और हमेशा से ही ये दुनिया में होता आया है कि जो एक आम इंसान पा नहीं सकता उसका सपना दिखा करके उनको नकली चीज दे करके कमाया जाता है। ये तो सारी दुनिया में हर चीज के लिए है ना, यंत्रों के नाम पे भी हो रहा है गुरुदेव। हाँ। की मतलब अगर गूगल करने जाओ तो 250-300 रुपए में सूर्य यंत्र बेचते हैं। मैं यही बात समझा रहा हूँ कि अब जो आदमी मान लो गुची का पर्स नहीं खरीद सकते तो वो कॉपी तो लाके देते ही, फर्स्ट कॉपी ले लेंगे है ना, ना वो तो थर्ड कॉपी भी लाके देते, बच्चे को क्या पता है ना। लेकिन बात वो नहीं, बात एक ही है कि किसी भी चीज को रियलिटी में बनाना हो तुम वो क्यों जाती हो, तुम वैदिक के उपाय ही ले लो ना। वैदिक ज्योतिष के अगर उपाय करने हो तो कहाँ से लाओगी वो सोने के लोटे, सोने की थालियाँ, चांदी के उतने सिक्के और इतनी जगह का पानी, इतनी जगह की मिट्टी। बेटा अगर उनको आज की डेट में काउंट करें तो 15-20 लाख रुपया तो इन्हीं चीज़ों में चला जाएगा, फिर उसके बाद जो विद्वान बैठेंगे उनके अलग। तो ये चीज़ें कॉस्टली तो हैं नो डाउट, पर अगर कोई इसका सही जानकार मिल जाए और उसको सही समय पता हो कि ये दीपावली पे या बीच में आने वाले कौन से दिनों के अंदर ये जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, कितने पंडित लगा के कितनी मालाएं पूरी करेंगे, वो मालाओं का मतलब क्या होता है मैं तो वो भी क्लियर कर दूं। हमारे मुंह से निकलने वाली मंत्र की जो ध्वनि है वो एक शक्ति पिंड पैदा करती है, और वो शक्ति कौन सी होती है, वो मंत्रों से उत्पन्न होने वाली। एक मंत्र के अलग प्रकार के पिंड होंगे, दूसरे तरह के मंत्र के अलग प्रकार के पिंड होंगे, पांचवे मंत्र के पांचवी तरह के पिंड होंगे, इस तरह से समझेंगे ना। ये अलग अलग शक्ति होती है, मान लो कोई सूर्य के लिए, कोई चंद्रमा के लिए, कोई बृहस्पति के लिए, इस तरह से। तो वो जो मंत्र पिंड होते हैं वो जो जागृत होते हैं है ना, उसके अंदर एक तरह का यंत्र को ऐसा बनाया जाता है, ऐसी संख्या या ऐसे अक्षर लिख करके कि जो उस एनर्जी को पकड़ के रखते हैं। अब ये तो हो गया, अब ये क्या गारंटी है कि ये कब तक चलेंगे है ना। जब तुमने लिया 27 दिन की तो गारंटी है। अच्छा, मतलब एक यंत्र जब हम किसी से प्रतिष्ठित करके लेते हैं तो 27 दिन तक उसमें असर रहता है। असर रहता है ठीक है। 27 दिन के बाद क्योंकि 27 नक्षत्र घूम गए ठीक है, 28वां अभिजीत भी घूम गया ठीक है। उसके बाद अगर वो इंसान जो लेके जा रहा है उसको अगर ये पता ही ना हो कि ये किस चीज़ के लिए है तो उसका भाव नहीं बनेगा, वो कैसे अपने भाव से उसकी पूजा करेगा। तो इसलिए यंत्र लेकर के ये पता होना चाहिए किस लिए है, फिर उसको मंत्र दिया जाता है, फिर उसको ये सामग्री दी जाती है। अब सामग्री में क्या होता है, प्रतिष्ठित होने के बाद हो सकता है फूल ही काम कर दे, हो सकता है एक रौली मौली कुछ वो चढ़ाने से ही काम कर जाए, कोई सिंदूर चढ़ाने से या हल्दी कुमकुम चढ़ाने से काम हो जाए, तो वो उनका एक तरह का भोग है ठीक है। और फिर उसके ऊपर डेली या वीकली आपको मंत्र उच्चारण देना ही पड़ता है। अगर वो देते रहोगे वो सदा ही रिचार्ज रहेंगे ठीक है। अब वो ऊर्जा खत्म नहीं हो रही, वो जब भी आप प्रणाम जाते हो वहां से थोड़ी सी ऊर्जा ले गए, जब भी प्रणाम करने जाते हो थोड़ी सी ऊर्जा ले गए, तो वो अब एक तरह का ऐसा हो गया पारस की तरह कि जितनी बार छुओगे उतनी बार आप सोना बन जाओगे, जितनी बार छुओगे उतनी बार सोना बन जाओगे। तो यंत्र तभी लेना चाहिए कि एक आचार्य हो और आचार्य के पास पूरा विधि विधान हो, सुजस करने वाला विद्वान हो, विद्वान अपनी नजरों के आगे से निकाले कि ये पहले यंत्र शुद्ध है, यंत्र शुद्धि के बाद उसका मंत्र और प्रक्रियाएं शुद्ध है, और वाकई में ये कौन से दिन है जिनके अंदर इनको प्रतिष्ठित किया जा सकता है। जब ये सारी क्लैरिटियाँ हो जाती हैं और ये सारा क्रम हो जाता है तब एक यंत्र सिद्ध होता है, और बिना मंत्र के यंत्र बेकार है। अगर तुम सोचो कि मार्केट से लाओगी और घर पे रख करके तुम यंत्र को मना लोगी तो ये हो ही नहीं सकता। ये कोई भगवान की मूर्ति थोड़ी है जो भाव से पिघल जाएगी, जो भाव से जागृत हो जाएगी। ये यंत्र है और यंत्र का मतलब टेक्नोलॉजी, समझ गए।
वो वेदों की टेक्नोलॉजी से होता है। अब ये टीवी वगैरह है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इनको चलाया जाता है, तो वो भी अपने आप में मॉडर्न ही है, उसके लिए भी एक अलग साइंस है, और उनको वैसे प्रतिष्ठित करके वाकई में जो ग्रहों से फल नहीं मिलता वो यंत्रों से फल मिल जाता है। मैं यही मेरा अगला सवाल है आपसे गुरुदेव की, जैसे कोई बीमारी होती है, अगर छोटी बीमारी है तो छोटी सी दवाई दे देते हैं, अगर बड़ी अगर बीमारी ज़्यादा हो जाती है तब सर्जरी के लिए बोलते हैं, तो ऐसे में अगर किसी के लिए की लाइफ में छोटी प्रॉब्लम है तभी भी यंत्र देना चाहिए, प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब यंत्र देना चाहिए, यंत्र कब लेना चाहिए आपको? यंत्र कब लेना चाहिए ये तो आपको रावण काल से भी बहुत पहले से ही पता है हमारे वेदाचार्यों को, कि अब जो तुम सुनते हो कि रावण ने भक्ति करी, भोलेनाथ को खुश कर दिया और सोने की लंका ले ली, ये उन्हीं यंत्रों का प्रभाव है, समझेंगे ना। इसी प्रकार से राम भगवान ने भक्ति करी, उन्होंने ब्रह्म शस्त्र जो सिद्ध किया वो यंत्रों का प्रभाव है। तो जब भी कोई आपको ऊर्जा, कोई शक्ति उत्पन्न करनी होती है, जब उसको आपने पाना होता है, तो यंत्र और मंत्र दोनों काम करते हैं, और ये यंत्र और मंत्र के काम होने के बीच में बेटा आपका भाव बहुत मायने रखता है, कि उसके अंदर दृढ़ता रहे, आपको पता रहे, उस पर विश्वास रहे और उसको उस दिल से कर सको। मेरे यहाँ जितने भी आचार्य हैं, एक तो वो गुरुकुल से पढ़े हुए, बहुत अच्छा उनका उच्चारण, और बेटा इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर वो भी लाखों रुपया महीना ना कमाए तो उनके पढ़ने का फ़ायदा क्या है। मेरे यहाँ के आचार्यों की नो डाउट बहुत अच्छी कमाई है, तो उतनी मेहनत भी है, रातों को किस वक्त मुहूर्त है, दिन में किस वक्त मुहूर्त है, किस वक्त में क्या करना है, ये जिम्मेवारी लेगा कौन, यही चीज़। तो इसीलिए हमारे यहाँ सिर्फ दीपावली पे यंत्र बिकते हैं, और कुछ खास यंत्र हम दीपावली पे बना के रख लेते हैं और उनको पूजा देते रहते, बीच में जो जो कोई आता है उनको देते रहते हैं, तो हम ये करते हैं। तो मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, और बहुत सारे अच्छे आचार्य हैं जो ये यंत्र बनाते हैं, लेकिन जो लिया जाए, किया जाए, ये सिद्ध कर ले, ये ब्रांडेड होना चाहिए, ये चलना चाहिए। आम कहीं पर भी रास्ते से कोई चीज़ खरीद करके उसके ऊपर भरोसा जता करके धोखा खा के मत बैठिए, चीज़ों को गलत मत बोलिए, चीज़ें बिल्कुल सही हैं लेकिन ले कहाँ से रहे हो ये पता होना चाहिए। कुछ और तरीका है, जैसे कि एक तो हो गया कि आप कहाँ से ले रहे हो, लेकिन अगर जैसे कोई इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, किसी ने कहा वो गया, तो क्या यंत्रों में पहचान करने का कोई तरीका है कि हम कैसे जान सकते हैं कि वो सही यंत्र है या नहीं है, जो हमें दे रहा है सामने वाला वो अच्छा यंत्र है? नेहा, जब हम सोना खरीदने जाते हैं ना बेटा, तो सबसे पहला डर होता है कि सुनार खोट ना मिला दे, ऐसा ही होता है ना। इसी प्रकार के आपको एक अच्छा आचार्य वो ढूंढना पड़ेगा, एक अच्छा पंडित जी, गुरु जी ढूंढना पड़ेगा जिस पे आप भरोसा कर सको, जिसको ये पहचान हो, क्योंकि यंत्र की पहचान सोने की पहचान से भी मुश्किल है, ठीक है। तो आम आदमी को तो बताना भी बेटा कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। तो सही मायने के अंदर वो गुरु डिक्लेयर करेगा, वो ये बताएगा कि इसमें इसका स्ट्रक्चर ठीक है, इसमें लिखत ठीक है, इसका वेट ठीक है, इसको वाकई प्रतिष्ठित किया जा सकता है, प्रतिष्ठित किया जा सकता है तो प्रतिष्ठित करवाने की जिम्मेवारी भी उसकी होगी, क्योंकि एक आदमी को एक ही दिन के अंदर विद्वान कैसे बनाए, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं शायद लोगों की इतनी मदद नहीं कर सकता, ये हमें उनके या कोई भी विद्वान है उनके ऊपर छोड़ना, यानी खुद से, जैसे कुछ चीज़ों में जैसे हमेशा आप आते हैं तो आप बताते हैं कि ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं, लेकिन यंत्रों के मामले में आप खुद नहीं कर सकते हैं, नहीं कर, आपको किसी प्रतिष्ठित आचार्य के पास जाना ही बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। अच्छा, पैसे की बात आ जाती है, जब यंत्र की बात आती है तो लोग पैसे का बहुत, हर चीज़ पैसे से ही जुड़ी है, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा पैसा ज़्यादा होगा या कम होगा, ये यंत्र क्या बहुत महंगे होते हैं, या अगर वैसे तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 250 रुपये में भी यंत्र मिल जाता है, और वो आपने बताया किसी काम का वो नहीं है जब तक प्रतिष्ठित ना हो, तो क्या यंत्र अगर किसी प्रतिष्ठित आचार्य से लिया जाए तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा? चलो आप भी थी बता देता हूँ, ठीक है। 1987 की बात है, मेरे एक गुरु के मित्र रहे, वो भी एस्ट्रोलॉजी करते थे, तो कहते भाई तेरा ये ग्रह है, तेरे को ना माणिक्य पहनना चाहिए। तो माणिक्य खरीदने के पैसे नहीं थे, मैंने अपना स्कूटर बेच दिया। स्कूटर बेच के मैं
वो परांठे वाली गली में गया, वहाँ नग मिलते हैं, तो मैं वहाँ से जाके ये नग जो तुम देख रही हो ये मैंने वहाँ से खरीदा था। ये उस टाइम में 3-3.5 हज़ार रुपये का आया था, स्कूटर भी इतने में बिका था। ये खरीदा, नो डाउट इसके बाद 92 के अंदर मैं प्रोफेशनल हो गया था। एस्ट्रोलॉजी तो तब भी करता था, प्रोफेशनल हो गया। अब मेरे को चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ, चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ, मेरे को ये फिर पता चला कि यंत्र का क्या पता है। तो मैंने तभी मैंने चुना षोडशी यंत्र कि भाई सारी कलाएं इनमें आती हैं, सारे गुण देते हैं। तो मैंने अब प्रतिष्ठा का विधान पूछा, एक से पूछा कहता 100 रुपये में कर दूंगा, दूसरे से पूछा वो 1000 रुपये तक पहुंचा, तीसरे से पूछा वो 2800 रुपये तक पहुंचे। उसके बाद मैं तसल्ली नहीं हुई, फिर मैं यहाँ से उठ के गया बनारस। वहाँ जा कर के मैंने पता किया यहाँ, तो करते करते वहाँ गुरुकुल भी हैं, वहाँ आचार्य भी हैं, तो सही मायने में एक बुज़ुर्ग मिले, कहते अगर तुमने षोडश पूजन करना है, षोडशी करना है, कहते बेटा ये तो सालों का खेल है, कहते अगर यंत्र ही प्रतिष्ठित कराना है और उसके बाद मेहनत तेरे को अपनी करनी पड़ेगी, मैं लगेगा क्या है ये बताइए। तो करते कराते उस वक्त में मेरा लगभग 32,000 रुपये का खर्चा ये हुआ। लेकिन वहाँ पर सिद्ध करा के मैं लेके आया, आके मैंने पूजना शुरू किया। तो अब 2004 से आप देखते होंगे कि मैं जहाँ बैठता हूँ पीछे षोडशी यंत्र। तुमने मेरी सारी जितनी मेरे ऑफिस में शूट हुए सब में वो तुमने देखा होगा। मैं जैसे जैसे उसका पूजन करता चला गया और कला और ज्ञान और परमात्मा की कृपा मेरे पे बरसती चली गई। मैंने फिर 2004 से ही मैंने अपने क्लाइंटों पे करना शुरू करा, जिसमें चावड़ी के बहुत सारे लाला हैं, दूसरे सारे कुछ हैं, ये करना शुरू करा। तो 2004 से लेकर 2012 आते आते तक मेरे हजारों यंत्र हर साल जाने लगे। कारण, अगर तुमने लिया है तो तुमने अपने भाई को भी तो ठीक करना है, तुमने कोई और रिश्तेदार या यार दोस्त जो तकलीफ में है उसको भी तो ठीक करना है ना। तेरे पास तो है, वो तब से 2004 से मान ले चला आ रहा है या 6 से ही चला आ रहा है, वो तो खराब होना नहीं, तुम उसे रिचार्ज करी जा रही हो मंत्र बोल के। लेकिन जितने लोग और हैं उनको भी तो जरूरत है। अब मान लो तुम्हें मंगल से संबंधित कोई गुण चाहिए और मंगल की दशा तो पता नहीं अभी कब आनी है तुम्हारी जन्म कुंडली में, तो अब इस मंगल को कैसे प्राप्त करोगे? तो तब तुम्हें एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी कि वक्त से पहले उस एनर्जी को तुम जगा लो। इसके लिए यंत्र काम आते हैं, समझना। अब मान लो एक आदमी बीमार है, लगातार उसके डेफिशिएंसी हो रही है किसी खास चीज की शरीर में, अब क्या करेगा? आर्टिफिशियल ऊपर से दोगे, देते हो ना, तो वो जो आर्टिफिशियल या एक मेडिसिन के रूप में तुम दे रहे हो वो काम ही यंत्र करते हैं कि आज तुम्हें जिस चीज़ की जरूरत है उसको अभी पाओ। लेकिन राजे इसके लिए सही यंत्र मंत्र तंत्र का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या, इफेक्ट ही नहीं होना। साइड इफेक्ट ये साइकोलॉजिकल हो जाएगा, ये काम नहीं करते, बेकार रहती है चीज़ें। जैसे करोड़ों का भरोसा टूटा हुआ है तो फिर ये साइड इफेक्ट होता है। अच्छा गुरुदेव, जैसे अभी आपने 2-3 यंत्र बोले, कितने प्रकार के यंत्र होते हैं टोटल? मतलब अगर कुछ लगभग आप आइडिया दें कितने तरह के यंत्र होते हैं, क्या हर एक समस्या के लिए यंत्र होता है? देख ज़्यादातर तो हाँ, लेकिन ये जो तुम्हारा सवाल है ना कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा जो मैंने नहीं पढ़े मैं कैसे इनके प्रकार बता दूँ। हाँ इसके अंदर ज़्यादा ना सही तो 60-65 तरह के यंत्रों का मैं इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर चुका हूँ, ठीक है। उसमें जो ज़रूरी ज़रूरी होते हैं लगभग 23-24 यंत्र, वो तो रेगुलर यूज़ के हैं तो वो तो मैं अभी भी करता हूँ। लेकिन है ये अनगिनत टाइप के, क्योंकि तामसिक भी हैं, सात्विक भी हैं, राजसी भी हैं, तो कई तरह के यंत्र हैं, तो उनको लिए कब किसके लिए ज़रूरत है, मेरे को जितनों की ज़रूरत है वो मैं करता हूँ। और इनकी गिनती करना मेरा ख्याल कोई विद्वान कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शायद
मैं उन चीजों में गया नहीं हूँ और उतनी तरह के यंत्रों को मैंने आजमाया नहीं। गुरुदेव, जैसे बहुत सारी चीजें अभी नई नई इन्वेंट होती हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि यंत्र बहुत पुराने हैं, मतलब आज लोगों को फिर से एक बार वापस बताना पड़ रहा है कि यंत्र जैसी कोई चीज होती है जो आपकी समस्याओं का हल कर देगी, लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत पुराने समय से ये इस्तेमाल होती आ रही है, तो क्या ये बहुत, मतलब राजा महाराजा लोग भी अपनी समस्या के लिए या पहले के जमाने में भी लोग अपनी समस्या के लिए घर परिवार में अपने जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, यंत्र लगाया करते होंगे? अगर तुम स्वास्तिक को देखो तो वो क्या है, वो यंत्री है ना। आप सूक्ष्म मंत्र की बात कर रहे हैं, एम क्या है, वही है। तो शुरुआत से ही यही जो चीजें हैं, इनकी स्थापना कहाँ की जाए, किस रूप में की जाए, किस धातु से की जाए, किस लेखनी से की जाए, ये सब यंत्र हैं। तो ये तो जब से हमारे वेद बने, वेदांग बने, उसके बाद एक भी आचार्य जब से बनकर आने लग शुरू हुआ, ये तब से यूज हो रहा है। राजे महाराजे हमेशा ही करते आए हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, उनके लिए तो ये खर्चा कोई खर्चा ही नहीं है। और उनके तो मंत्रियों के नग ही ऐसे हुआ करते थे कि जो अपने आप में जो विद्वान हैं, उनकी ऐसी कृपा रही है कि उनके पास पहले कोई कमी रही नहीं। तो रजे ये जब से दुनिया बनी है आज तक ये चला आ रहा है, लेकिन चला तो सारा आ रहा है, मिट्टी तो हर जगह पड़ी है, मिट्टी हर जगह पड़ी है, लेकिन कौन सी मिट्टी में से सोना निकलता है ये तो कोई जानकार बता सकता है ना, बस यही फर्क है। जो आप कर रहे हैं बखूबी। गुरुजी, इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी पुरानी चीजें जो लोग अब भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आज यंत्रों पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो ये बताना बहुत जरूरी है आज के लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे यूथ भी होंगे, यंग जनरेशन के लोग होंगे, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये आज का कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत ही पुरानी चीज है जो चलती आ रही है। नहीं बेटा, ये बताना तो जरूरी है ही, इसके साथ उनको ये बताना जरूरी है कि जो तुम नई सोच के साथ हमारी पुरानी साइंस को इग्नोर करके जो अपने तरीके से पाना चाहते हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा नई साइंस में, वो तुम्हें पुरानी साइंस ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तर्क तर्क पहले ना ये धरोहर हुआ करती थी विद्वानों की, कि एक विद्वान ही तर्क कर सकता है, लेकिन फ्रीडम का मतलब ये हो गया कि जो विद्वान नहीं है, जो अपनी जिंदगी अपने हालात नहीं संभाल सकता, वो सबसे ज्यादा तर्क करने लग गए, है ना। तो अब यहां पर भी एक गैप है बहुत बड़ा, समय ने समझाने का मामला खराब हुआ पड़ा है, तो कैसे समझाएं। तो अब तो वही बात बनती है कि भाई प्रभु ने जिस पे कृपा करनी होगी वो अपने आप सही जगह पहुंच जाता है, और नहीं करनी होगी तो वो आदमी तर्क ही करता रह जाता है। जब कोई भी इंसान कोई बहुत ज़्यादा समझदारी की बात करे ना, तो देख बेटा उसके चाहने वाले जितने होंगे, कई बार उसको ना चाहने वाले उससे ज़्यादा लोग होते हैं, है ना। क्योंकि ये जो हमारी सोच है ना, ये सोच अपनी तरह की सोच को खींच लेती है, तो ये लोग जल्दी एकजुट हो जाते हैं, समझे ना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ना करने वाले। एक्सेप्ट करने वाले एक्सेप्ट करके घर चले जाते हैं, वो इकट्ठे नहीं होते। जितने भी बड़े लोग हैं बहुत रेयर तेरे को एक टेबल पे मिलेंगे, समझे, और जितने नाकामयाब लोग हैं वो तेरे को एक ही जगह पे मिलेंगे। नाकामयाबी का कारण क्या है, उनके ज्ञान की अधूरापन, उसके अंदर त्रुटि होना, समझे। ये एक चीज रही, इनको भोला बादशाह बोलते हैं हम लोग, इनके ऊपर खारनी खाने की जरूरत होती है, इन पे तरस खाने की जरूरत होती है। इन लोगों को अगर इन्होंने अपने मन में विश्वास पैदा कर लिया, विश्वास पैदा करके अगर इन शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया, तो बेटा इनको कोई दुखी रख नहीं सकता, और थोड़ी देर दुख मिट जाएंगे, ये समृद्ध हो जाएंगे। बहुत ही सही बात कही हमने, यंत्रों के इतिहास के कितना पुराना ये भी बात की, बहुत सारी चीज़ें हम यंत्रों के बारे में ही बात कर रहे हैं, सही गलत की पहचान भी आपने बताई कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और जाननी है, जैसे यंत्र तो हमने ले लिया, क्योंकि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है वो चाहता है कि यंत्र ले, वो उसने यंत्र ले भी लिया, एक बार प्रतिष्ठित होकर तो वो आ गई मेरे पास, क्या वो जैसे आपने बोला रिचार्ज के बाद, तो जब उसको फिर थोड़ी थोड़े दिन के बाद आचार्य के पास लेके जाना, या खुद से ही हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं? स्वयं करना है, स्वयं करना है। वो उच्चारण आपको सीखना पड़ेगा, अब उस पर हल्दी लगानी है, कुमकुम लगाना है, सफ़ेद चंदन लगाना है, क्या लगाना है,
ये करना है, और आपका जो मंत्र आपको जो दिया जाएगा वो हफ्ते में एक बार होगा या डेली होगा, भाई ये विधि पता करके आपको उसको सम्पोर्ट करना है, बस इतना ही करना होता, कोई फालतू नहीं। और ये भी जो मंत्र कौन सा पढ़ना है उसका पूरी उसकी विधि विधान क्या होगी ये सारा आचार्य बताएंगे। मंत्र एक बार जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद स्वच्छता का ध्यान रखते हुए एक छोटी सी जो विधि होती है नहाने के बाद, जैसे हम धूपबत्ती वगैरह करनी होती है, वह उतना की ही ज़रूरी ये चीज़ होती है, और कोई ज़्यादा देर का नहीं होता, कईयों का एक मिनट में और कईयों का 7 या 11 मिनट में उनकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और बस ऐसे चलना होता है, और वो हफ्ते में एक बार कर लो या डेली, नियम है कि हफ्ते में एक बार तो ज़रूर, समझिए ना, क्योंकि 7 बार निकल रहे हैं तो एक बार ज़रूर कर दो, नहीं तो डेली करो तो बहुत अच्छा। ये इसलिए पूछा क्योंकि अगर कोई लेने का सोचे या कोई, तो पहले इंसान डर जाता है कि अगर यंत्र है तो लेकर आए और कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके जो नियम है वो बहुत ही डिफिकल्ट होंगे या हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो, तो इसीलिए ये जानना भी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि इतना कुछ हेक्टिक नहीं होता उसको अगर आप यंत्र लेकर आते हैं। बेटा मोबाइल खरीदना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद उसे चार्ज करके चलाना डिफिकल्ट नहीं होता। तो सेम ये यंत्रों का कॉन्सेप्ट है कि लेना थोड़ा मुश्किल है अच्छे वाला सच्चे वाला, उसके बाद उसको रिचार्ज रखना ये कोई मुश्किल नहीं है। यंत्र आपने कहा दिवाली में बहुत सारे यंत्र जो है वो जाते हैं लोगों के घर में, कोई ऐसा यंत्र होता है या उस यंत्र का अगर आप क्या, पहले तो ये सवाल कि क्या हर इंसान के लिए, जैसे लोग कहते हैं बिजनेस के लिए है तो व्यापार यंत्र ले लो, क्या यंत्र एक ऐसे होते हैं एक समस्या के लिए एक यंत्र, या कुंडली देखने के बाद बताया जाता है कि ये यंत्र आपको लेना चाहिए? ये रगे कुंडली देख के भी बताया जाता है कि इस वक्त में ये खराबी चल रही है और ये वाला यंत्र तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक अलग चीज़ है। दूसरा तुम्हारी ज़रूरत क्या है वो बता के भी लिया जाता है। अब कई लोग इन दिनों में खास तौर पे कहते हैं कि हमारे ऊपर किए किराए का बहुत असर होता है और हमें पता भी है कौन कर रहा है, तो उसको उस तरह का यंत्र तैयार करके दिया जाता है ताकि दोबारा कभी तकलीफ ना हो। ये तो हमारे हज़ारों हज़ार यंत्र जाते हैं, हज़ारों हज़ार, और सच में लोगों के ऊपर वो चीज़ हो रही होती है और उनको वो असर। फिर आ जाता है व्यापार यंत्र की, जैसे तुमने बात करी, व्यापार यंत्र जो सही मायने में है वो होता है दुकानदारी होलसेल के जिनके काम हैं इनके लिए, इनके लिए उनका जो व्यावसायिक संस्थान है शोरूम है दुकान है उसके लिए यंत्र तैयार होते हैं, और वो होते हैं ग्राहकी को बढ़ाने के लिए, ग्राहक को अट्रैक करने के लिए। फिर उसके बाद ऊपर आ जाते हैं शोडशी, शोडशी हर कला में निपुण होने के लिए होता है, तो उसमें व्यापार ही होता है। जब वो जो आदमी हर कला में निपुण होने लगे व्यापार होता है। फिर आ जाता है सर्वशक्तिपीठ, जिनको कला के अंदर निपुण होकर के हिम्मत करके अपनी चीजों को और बहुत बड़ा करना है, वो फिर शक्तिपीठ की तरफ जाते हैं, समझिए ना। अब मेरे पास ये इलेक्शन भी अब आने वाले हैं, सबसे ज्यादा तो ये राजनीतिक लोग लेके जाते हैं। अब उन राजनीतिक लोगों के साथ में जितने इंडस्ट्रीज हैं, जितने बड़े बड़े व्यापार करने वाले ठेकेदार हैं, उन सबके यहाँ आपको मेरा सर्वशक्तिपीठ मिलेगा सबके यहाँ। और ऑलवेज हर दीपावली पे हमें इसकी शॉर्टेज मिलती है। यानी सबसे देखा जाए वो हर समस्याओं का समाधान है। हाँ, दीपावली पे जो सिद्ध हो जाते हैं वो ले गए, वो कोई नहीं छोड़ता, अपने अपने ले जाते हैं। अब लोग जो कहते हैं कि कोई बात नहीं बाद में ले जाएंगे, वो बेचारे फंस जाते हैं, फिर उनको दीपावली के 3 महीने बाद मिलता है यंत्र, क्योंकि फिर उसको प्रतिष्ठित करने में और टाइम लगता है और सामग्रियाँ लगती और चीज़ मिलती है। दीपावली के बाद वाला और महंगा हो जाता है, इन दिनों वाला थोड़ा सस्ता होता है। कारण क्या है कि ये दिन है, इन दिनों में जल्दी प्रतिष्ठा लगती है क्योंकि ये दिन ही बहुत खास होते हैं। तो क्या ये यंत्र हर तरीके की परेशानी को दूर कर देता है? मेरी तो करी है नहीं और जो मेरे क्लाइंट है उनकी भी करी है, तो अब जो लेगा आजमाएगा बेटा वही पाएगा, कैसे बताऊँ। अच्छा गुरुदेव, अगर जैसे दो ही चीजें आजकल लोगों को बहुत परेशान करती है, एक तो पैसा और दूसरा घर परिवार में खुशहाली या शादी वगैरह, तो क्या ये जो यंत्र होते हैं इस तरीके के, जैसे जितनी बड़ी समस्या उतने महंगे यंत्र या उतना डिफिकल्ट उसका प्रोसीजर होता है, तो क्या ऐसा है कि सब यंत्र के लिए एक ही तरीका होता है या हर यंत्र के लिए अलग अलग तरीके होते हैं? पहली बात तो ये गलत है कि इन यंत्रों के लिए जितना बढ़िया यंत्र उतने ज़्यादा पैसे, नहीं ऐसा नहीं होता।
बात यह है कि यंत्र कौन सा है, यूज कहाँ होना है, वो 1000 रुपये का भी हो सकता है, ठीक है ना, और वो 1 लाख रुपये का भी हो सकता है, और वो 5 लाख का भी हो सकता है। डिपेंड ये है कि ये है क्या, तुम इससे चाह क्या रहे हो, कितनी देर के लिए चाह रहे हो, ये चीज़ें डिपेंड करती है। अब जैसे तुमने घर की सुख शांति के लिए यंत्र बोला है ना, घर की सुख शांति के लिए षोडशी यंत्र लगाइए आप, और लगा करके सच में घर वालों को उसका साधक बनाइए, समझे, और वो रोज़ नित्य नेम से सुबह एक बार उसके मंत्र बोल करके उस शक्ति को अपने अंदर महसूस तो करके देखें, ठीक है, बहुत सस्ता है, कोई महंगा नहीं, ठीक है। लेकिन वो दीपावली के दिनों में बना हुआ, आगे पीछे बनाओगे तो उसका भी 1 लाख रुपये का खर्चा है, ये चीज़ है। तो ये चीज़, अब बीमारी वाला है, किसी को बीमारियाँ हैं, बीमारी के अंदर सिंपल तौर पे मंगल की एनर्जी को जागृत करने के लिए, चंद्रमा की एनर्जी को जागृत करने के लिए यंत्र में प्राण दिए जाते हैं। चंद्रमा यानी कि हमारे शरीर का 75% पानी, और मंगल यानी कि उसके अंदर के रेड सेल्स, अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हों तो बीमारी तो वैसे नहीं बचती, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो बेटा इसीलिए ये यंत्र सस्ते हैं बीमारियों वाले, ठीक है ना। हाँ ये है कि ये समय समय पे ख़राब हो जाते हैं सूतक पातक में, सूतक पातक हो गया तो इनकी शक्ति गई, तब आपको दोबारा लेना, दोबारा लेना, भाई ये चीज़ होती है। अच्छा, अगर किसी ने यंत्र लिया उसकी वो चीज़, जैसे किसी मन से यंत्र लिया कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, उसने यंत्र लिया उसकी वो चीज़ कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद वो उस यंत्र को रखना है अपने पास या उसको हटा देना है? बेटा ताकत तो ताकत होती है, एक बार बन गई तो वो बनी रहे तो अच्छा है, यानी लगा कर रख सकते हैं उसको, उसका कोई भी उसका हार्म नहीं होगा वो, नहीं। और धातुओं की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे रील बहुत वायरल होती है इंस्टाग्राम पे वो तो मैंने देखा इसीलिए पूछ रही हूँ कि तांबे की एक कास्तूरे यंत्र ले और यहाँ इस दिशा में टांग दे, तो धातु का और दिशा का कितना महत्व होता है यंत्रों में कि कहाँ लगाना है? सिंपल तौर पे ये चीज़ें ना मोहताज नहीं होती किसी चीज़ की। एक तुमने वो कहावत सुनी होगी, नया नया ड्राइवर गाड़ी बहुत तेज चलाता है ना तो इसीलिए नए नए ज्योतिषी आ रहे हैं, नए नए विद्वान आ रहे हैं, वेदों में जो चीज़ उनको क्लैरिटी नहीं मिलती या वो शास्त्रों के अंदर पढ़ते उनको जो क्लैरिटी नहीं मिलती तो वो अपने मन से फिर एक नया ज्ञान पैदा करते हैं, तो वो लोगों को बताते भी हैं, तो ठीक है बेटा कुछ तो कर ही रहे लेकिन इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कोई दिशा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस दिशा में टांगे, प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, और वो एक जो विद्वान होता है उसे सब कुछ उन सारी शर्तों को फुलफिल करके फिर ही बैठता है वो, लेकिन जब वो चीज़ तैयार हो जाती है तो वो आपके घर के मंदिर की प्रॉपर्टी बन गई, आपके संस्थान के जो व्यावसायिक संस्थान है उसकी चीज़ बन गई, तो उसको फिर वहाँ स्वच्छता से मतलब है, और उसको जो प्राण देता रहे और उस प्राण को आप लेते रहें, बस इस चीज़ से मतलब रहता और कुछ नहीं रहता। गुरुदेव, आजकल ना एक और चीज़, हमने रील की बात कर दी, मैंने तो उससे पूछूंगी कि आजकल एक चीज़ होती है कि बुरी नज़र लग गई है, नेगेटिव हो रहा है आपके ऊपर, किसी का काला जादू हो गया है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, इसके लिए पहले तो पहला सवाल कि क्या इसके लिए भी कि अपने आप को बुरी नज़रों से बचा सकते हैं या आप इन तरीके की नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं, कोई यंत्र होता है? और एक इसके बाद का सवाल भी मैं आपसे भी पूछ देती हूँ कि क्या इस तरीके की चीज़ें सच में हावी होती है कि किसी को कुछ खिला दिया और आपके ऊपर जो है काला जादू हो गया या सफ़ेद जादू हो गया, जो भी जादू होता है वो हो गया? देख बेटा, किसी को कुछ भी खिला के बीमार करने के तो 100 चारे हैं, उसके लिए किसी तांत्रिक के पास क्यों जाना, किसी भ्रष्ट वैद्य के पास ही चले जाओ, वो भी ये काम कर देगा, लेकिन वैद्य जल्दी भ्रष्ट नहीं होते, वो भी दुनिया को सुख देने का ही काम करते हैं। फिर मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूं, सबका भूत उतारने वाले तुमने बहुत देखे होंगे, सब पे किया कराया उतारने वाले बहुत ही देखे होंगे, और सबके ऊपर प्रक्रियाएं करके उनको ठीक करने वाले तूने बहुत देखे होंगे। मेरे को वो दरबार दिखा जो कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे इस आदमी का सत्यानाश कर दूंगा, तुम्हारे सामने बैठे बैठे करूंगा। एक दरबार दिखा दे, एक दरबार करने का नहीं है, उतारने के हजारों दरबार। तो ये कौन सी प्रोडक्शन मशीन लगी हुई है जो इतनों को बीमार कर रही है, सोचने वाली बात है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो उतार रहे हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं ऐसी रील्स, मैं वही कह रहा हूं। तो रजे बात एक ही है,
हमारे यहाँ ना पहले जब बीच का एक समय आया, या पिछले 150 साल की बात लगा लें, 150 साल में ओझा बहुत हो गए थे जो झाड़ फूक करने वाले, है ना। तो हमें तो ये कई वृतांत मिलते भी हैं कि उसने किस तरह से बेवकूफ बनाया और खुद कमाया। तो बेटा ये वाला तब कम थे, आज ज़्यादा हो गए, समझे, जो झाड़ फूक के नाम पे कमाई करते हैं। लेकिन मेरे को वो इंसान हैं, ऐसी बात नहीं, जो कर सकते हैं, जो इन विद्याओं को जानता है, वो किसी के भले के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि कुदरत ही कईयों के साथ बीतती है, कि कईयों को चलते हुए हवा लग जाती है, कहीं से आ रहा तो पाँव पड़ जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कुदरती तौर पे हैं, समझे। उनको ठीक करने वाले बहुत हैं, कईयों में सच में आत्मा प्रवेश कर जाती है, उनको निकालने वाले बहुत हैं, लेकिन तेरी चाची ने कर दिया, मौसी ने कर दिया, मामे के बेटे ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, तेरी सास ने कर दिया, जहाँ ये शब्द आते हैं ना बेटा, वो झूठ की कमाई खुद के घर में ले जाने के लिए, दूसरे का घर तोड़वाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं, जो, क्योंकि बेटा कोई कितना भी बुरा हो जाए, हाँ अपने घर के, अब मान लीजिए कि कोई औरत है, अब उसकी सास इसलिए किसी के पास से कुछ लेके आई कि भाई घर में सुख शांति हो जाए, मेरा बेटा ढंग से नहीं कमा रहा वर्क हो जाए, मेरे पोते को ये तकलीफ़ है, चल मैं उसके लिए ये करवा लूँ। अब उसको बहू अगर करा कराया समझ ले तो ये तो मूर्खता है ना, उसने किया नहीं है, वो ला रही है, सच में वो विभूति लेके आई है, सच में वो कोई प्रसाद के रूप में ला के उनको खिला रही है, लेकिन वो पाप के लिए नहीं कर रही है। हाँ, ऐसी सास को ये बरगला सकते हैं कि तेरी बहू को काबू करने के लिए हम तेरे को चीज दे रहे हो, घोल के पिला दिया, और जिससे बहू काबू में तो नहीं आती, आपस में दुश्मनी जरूर पड़ जाती है। इसके लिए ऊर्जाएं जागृत करनी होती हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा किसे बोलते हैं बेटा, नेगेटिव ऊर्जा बोलते हैं कि इस वक्त में जो तुम्हारे ऊपर दशा या अंतर्दशा चल रही है, और वो प्लैनेट तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर खराब बैठा है, वो खराब बैठा है तो वो तुम्हें पॉजिटिव सोच नहीं दे रहा, तुम्हारे शरीर के अंदर हलचल मचा करके वो तुम्हें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहने दे रहा, मेंटली रूप से भी स्वस्थ नहीं रहने देता, जिसे तुम बाद में डिप्रेशन का नाम दे देते हो, ठीक है, एग्रेशन का नाम दे देते हो, ठीक है, एंजाइटी बोल देते हो, ठीक है, तो वो ग्रह खराब चल रहा है। तो नो डाउट जो वो ग्रह खराब है उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई है, और जब किसी भी चीज़ की बहुतियात ऑलवेज खराब होती है, तो जब उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, अब ज़रूरत होती है उसको ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा ग्रह ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसकी वस्तुएं लेकर के अपने औरा मंडल में घुमा के आप उसे जल प्रवाह करते हो, दबाते हो, कहीं छोड़ के आते हो, उससे ऊर्जा कम करनी होती है उसकी, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है उसकी चीज़ें पास में रख के उनकी ऊर्जा बढ़ानी होती है, ताकि वो दब सके जो खराब कर रहा है। ये एक ट्रीटमेंट है, ये एक डॉक्टरी है, ये एक साइंस है, समझिए ना, ये ऐसे नहीं चलती, समझिए ना, हाँ ये ऐसे नहीं चलती। ऑरा क्लीनिंग लगा ले, ये लगा ले, सब बातें एक ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये एस्ट्रो साइंस है, ये साइंस है, समझे, और इसका डॉक्टर ही इसको सही जज करके तब तुम्हें सही ट्रीटमेंट दे सकता है। ऐसे नहीं चलता है हवा में बातें करना, वो तो फिर वो झोला छाप डॉक्टर तो बहुत है बेटा। तो जिन भी लोगों ने इस तरीके के सवाल लिखे थे कि ये चीज़ें होती या नहीं होती, तो गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि इस तरीके की चीज़ें नहीं ही होती हैं। गुरुदेव, यंत्र का पूछा था मैंने कि क्या अगर किसी को अपना पूरा, जैसे हमेशा पॉजिटिव रहना, अच्छा फील करना है, क्योंकि हम जब बाहर से आते हैं तो एक तरीके की एनर्जी लेकर आते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो क्या घर में कोई ऐसा यंत्र होता है जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा, हेल्दी रखेगा, हैप्पी रखेगा, मतलब आपको बाहर की नेगेटिविटी को दूर रखेगा आपसे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, हालांकि बहुत सारे लोग इसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ आपको हमेशा हेल्दी रखे वो अच्छी ही होती है ना। ऐसे तो दुनिया है, वो कोई प्याज को ही अच्छा नहीं मानता, कोई लहसुन को ही अच्छा नहीं मानता, लेकिन उनके अपने गुण हैं, है ना, और भी बहुत सारी खाने पीने वाली चीज़ें। तो इसी प्रकार से षोडशी यंत्र के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि जिसकी जरूरत आपको भी है, आपके बच्चों को भी है, और आपके घर के बुजुर्गों को भी उसकी जरूरत है। तो इतनी सारी शक्तियों की अगर जरूरत हर इंसान को पड़ती है,
तो उसका पूजन बचपन से ही किसी बच्चे को क्यों ना करवाया जाए, ताकि वो अपनी बढ़ती उम्र के साथ में उसकी शक्तियों को लेकर के बढ़े और उसके गुणों को भी जब पहचाने। तो मेरे हिसाब से पूरे परिवार के अंदर खुशहाली बनाए रखने के लिए, खुशहाली कैसे होती है, तेरी बात तेरे माँ बाप समझे, तेरे पति समझे, तेरे ससुराल वाले समझे, तेरे बच्चे समझे, अगर यही इतना ही हो जाए, ये खुशहाली क्या कम होती है। फिर सारे ही समझदार होकर के अपने परिवार के लिए अच्छा करें, ये खुशहाली क्या कम होती है, ये शोरशी देता है। ये किसी देवी देवता से जो ये यंत्र है? बहुत सारी देवियां हैं इसमें, सारी देवी सारी शक्तियां हैं, और जितनी शक्तियां होती वो सारी देवी ही होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी देवियों की कृपा है, मैं यहाँ अभी खुलासा नहीं करना चाहता। तो वो जब लेंगे, इससे बढ़िया उनके लिए कुछ भी नहीं। और इस यंत्र को क्या गुरुदेव मंदिर में ही रखना होता है या फिर आप घर में कहीं? हाँ, घर के मंदिर में रखिए, और कोई स्थान क्यों बनाना, या स्पेशल स्थान बनाओ या मंदिर में रखो, लेकिन साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। बिल्कुल, वही पवित्रता, वही सुचमता। और क्या इनके लिए डेज भी है, मतलब कि इस दिन पर लगाओ तो ज्यादा अच्छा है? हाँ, हमारे यहाँ से जो लेकर के जाते हैं जनरली तो हर रोज पूजा करते हैं, नहीं तो एक शुक्रवार को उनकी पूजा करनी बहुत जरूरी होती है, और शुक्रवार अपने आप में शक्तियों का दिन होता है इसलिए। गुरुदेव, बहुत सारे लोग जो है आजकल जो है, मैंने कहा कि हम रील्स देखते हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सीखते क्या मतलब, हमें देखने को मिलती है और हम उसको फॉलो करते हैं। बेटा, आजकल यूट्यूब डॉक्टर बहुत है। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब डॉक्टर्स जो है, रील और शॉर्ट्स वाले डॉक्टर, वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो एक चीज़ और, सफ़ेद रंग को हमेशा नेगेटिव से क्यों जोड़ दिया जाता है? जैसे कहा जाता है, जैसे मैंने एक सवाल में भी जो पूछा था कि कहा जाता है सफ़ेद रंग से बहुत जल्दी टोटका हो जाता है, तो क्या ये है? वो जीडी विशेष पहनता शायद इसलिए। जैसे सफेद मिठाइयों का बहुत नाम आता है, एक सवाल भी आया था, एक हमारे व्यूअर ने सवाल लिखा था कि किसी ने उसकी फैमिली में उसको सफेद मिठाई खिलाई थी और उसको हो गया था। सफेद रंग का बहुत ही नाम आता है कि सफेद रंग की चीजों से जो है बहुत जल्दी वशीकरण या जो ये गलत कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। मैं जब छोटा था ना बेटा, तो एक तरफ ना वो खजूर के पेड़ खड़े थे, तो हम जब भी उधर से निकलते थे ना, तो वो खजूर के पेड़ का मालिक है, ये तो मुझे बाद में पता चला, वो कहता उधर मत जाना, उधर भूत है, और वो पकड़ लेता है बच्चों को। तो हम तो कई साल इसी गुमान में जिए कि उधर भूत है, अगर जाएंगे तो वो पकड़ लेगा। वो अल्टीमेटली अपनी खजूरें बचाया करता था, ये बंदर है, ये पत्थर मार मार के तोड़ के खा जाएंगे। तो बेटा बात क्या है, मेरे यहाँ महीने के सैकड़ों डिब्बे आते हैं सारी सफ़ेद मिठाई, और लोग तो मेरे मुँह को लगा के खिला के जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे डरना चाहिए क्योंकि मैं इस लाइन का भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम भोग की बात करो कि कुछ किसी ने बुराई करना हो, तो ये बात सत्य है कि चाहे सफ़ेद में, कोई पीले में, कोई लाल में, कोई ब्राउन में, कोई भी रंग करने वाले की शक्ति के अनुसार हो सकता है जिससे कि खराब हो सकता है। इसमें सफ़ेद ही खास है, ये गलत है, समझिए ना। तो इसीलिए बात यह है कि हुआ क्या है, किया किसने, या ये कह सकते हो कि हो गया है, किया किसी ने नहीं, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं, जैसे आपने बताया कि जितने भी लोग इस डाउट में रहते कि सफेद से ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर रंग से हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, सफेद उसके लिए उसको वो ना तो सब्जी में डाल के हो जाता है, पानी में डाल के हो जाता है, तो बेटा सफेद को काहे को बदनाम करना है। सफेद को बदनाम ना करें, बहुत ही अच्छा कलर है, गुरुदेव भी पहनते हैं। अच्छा, एक और चीज, जैसे दिवाली की बात कर रहे थे, तो लक्ष्मी गणेश का टाइम है, इस समय लोग अपने घर में लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं। आपने एक लक्ष्मी यंत्र की भी बात की अभी, तो क्या लक्ष्मी यंत्र पैसे के लिए होता है? और जब कोई अगर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आता है, तो उसको लक्ष्मी यंत्र भी लाना चाहिए जिससे कि डबल फायदा हो? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। लक्ष्मी यंत्र अगर वाकई में कहीं से प्रतिष्ठित होकर के मिल जाए, तो वो तो नेमत है, ठीक है, वो तो जरूर लाना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के साथ में आप लक्ष्मी यंत्र लेके आए, ये कोई जरूरी नहीं। और दिवाली का समय, जैसे कि लक्ष्मी का यंत्र दिवाली के समय लाएं, एग्जैक्टली, वो जरूरी नहीं है। वो अगर लाना है तो प्रतिष्ठित लाइए, या स्वयं घर पे बुला के फिर आप बैठाइए उतने दिन पंडित जी, और वो प्रतिष्ठित करके जाएं, ठीक है ना। तो ये चीज़ या तो ये होगा, नहीं तो लक्ष्मी गणेश जी की आप बिल्कुल लेके आइए, क्योंकि वो तो दिन ही उनके हैं। तो उन दिनों के अंदर खास तौर पे अब लक्ष्मी गणेश का विधान क्या है, ये जानना जरूरी है, इनको लाने से ज़्यादा जानना ये जरूरी है,
सगिना, इसके पीछे मंशा क्या है कि जब हम लक्ष्मी और गणेश जी को लाते हैं, गणेश जी हमारे इन कूलों को बोला जाता है, ठीक है। रियलिटी में गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान कैसे मिला? उनकी चलाकी की वजह से, उनके डिप्लोमेटिक वे की वजह से, जिसको भोलेनाथ ने भी ज्ञान माना, माँ पार्वती ने ज्ञान माना, ठीक है। कारण ये कि दोनों भाइयों में ये कंपटीशन हुआ, वो निकल गए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने। इन्होंने कहा मेरे तो सारा ब्रह्मांड जो मेरे माता पिता ये चक्कर लगाए वहीं बैठ गए। अब वो कार्तिक जी की नज़र से देखे तो ये तो चीटिंग हो गई, लेकिन माँ बाप ने डिसीजन दिया कि नहीं ये सही है, तो प्रथम पूजनीय हो गई। तो प्रथम पूजनीय क्यों बनाया? मीठा बोलना, दिमाग से किसी भी चीज का सलूशन निकालना, समझे। ये जो गुण होता है ये किस में होता है? ये गुण होता है अपने ठीए पे चिपक के बैठे रहना। अगर तुम्हारी दुकानदारी है वहां बैठे रहो, तुम्हारी मान लो तुम पंडित जी हो, तुम अपने ठीए पे चुपके बैठे रहो, जब कोई आया क्लाइंट तब देखा, नहीं आया तो अब पढ़ते रहो उसके लिए और करो। इसी प्रकार से चाहे तुम हमारे यहाँ के कैमरामैन हो, तुम एंकर हो, तुमने आने वाले के लिए क्या क्या सवाल पूछने हैं ये पहले प्रिपेयर करके रखो, और कितना गहराई से पूछ सकती हो उसकी स्टडी पहले रेगुलर अपने दिमाग में चालू रखो। यानी कि सब्र और धैर्य से अपने काम के बारे में लगातार सोचने का नाम और धैर्य बना करके हमेशा दिमाग को कूल रखने का नाम गणेश जी है। और कैसे तुम जल्दी से जल्दी उस सारी चीज को समझ करके किस ट्रिक से जब कमा सकते हो, इस ट्रिक का नाम गणेश जी है। और ये जब ट्रिक लगेगा, ये सब्र और धैर्य आपको जब देगा, है ना, आपके काम का, तो देगा क्या? माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। इसीलिए ये सब्र धैर्य युक्ति ये गणेश जी और इससे पैदा होने वाली माँ लक्ष्मी। तो इसीलिए दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है। पर एक बात और है, ये अभी अधूरा है। ये जो दिन होते हैं अमावस वाले दिन दीपावली होती है, दो दिन पहले धनतेरस होती है, है ना। जो चलाकी तेजी जो पैदा होती है ना, जो युक्ति पैदा होती है, वो ऑलवेज अंधेरी रातों में पैदा होती है। चांदनी रातों के अंदर तुम्हारे शरीर का खून ही इतना खौलता है, वो इतना उबाल मारता है कि आपकी सोच स्थिर नहीं रह सकती, आपकी सोच स्थिर नहीं रह सकती। और जब तक स्थिर सोच नहीं है तब तक एक गहन सूक्ष्म एक आइडिया निकालना संभव नहीं हो पाता, समझे। ये दीपावली की जो खास रातें होती हैं, इसमें आप देखो गर्मियां गई होती है, सर्दियां चढ़ रही होती हैं, है ना। ये एक वो कॉम्बिनेशन का ये एक समय है जिसके अंदर अगर इंसान सच में कोई ठान ले गहराई से सोचने का और किसी चीज को पाने के लिए युक्ति लगाने का, तो बेटा बंद से बंद बुद्धि खुलने लगती। इसलिए इन दिनों का विधान बड़ा गजब का है। और इन दिनों के अंदर धरती पर नए जीव पैदा हो चुके होते हैं और बड़ी जबरदस्त हलचल धरती के ऊपर होती है। अपनी पसंद की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचना ये बड़ा आसान होता है, इसीलिए इन दिनों के अंदर यंत्र मंत्र तंत्र को सिद्ध किया जाता है, क्योंकि शक्ति की भरमार होती है और ऊपर से ये काली रातें साथ। तो ये एक पैकेज है दिवाली का समय, हाँ, ये एक पैकेज है तुम्हें अपनी मनपसंद चीजें पाने का। तो इसीलिए दीपावली की ये रातें, ये लक्ष्मी गणेश जी की शुरुआत स्थापना और इनका आशीर्वाद प्राप्त करना, आशीर्वाद यही प्राप्त करना कि आप ये साइंस अपने बच्चों को बताओ कि गणेश जी का मतलब धैर्य सब्र और युक्ति सोचना, और ये युक्ति लगा करके लक्ष्मी कमाना, ये लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना। कितनी सही बात कही। अभी तक हर कोई जब उनको देखता था तो अलग अलग बहुत तरीके की सोच होती थी, लेकिन आज आपने एक अलग एंगल दिया है उनको देखने का, और उसके बाद उनके दिमाग में भी ये चीज़ आएगी। जब लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं तो
धातु को लेके बड़ा लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, कोई बोलता है चांदी का बहुत अच्छा होता है, कोई कहता है कि नहीं तांबे का अच्छा होता है, कोई कहता है मिट्टी के अच्छा होता है, कौन सी धातु के लक्ष्मी गणेश को लेकर आना चाहिए जो सबसे शुभ माना जाए? गरीब के लिए जो सबसे सस्ता मिल जाए और अमीर के लिए जो सबसे महंगा मिल जाए, ये शुभ होता है। राजे बात क्या है, चांदी, चांदी का भी मोल भाव करके अगर सबसे सस्ते वाला लेना है तो नेचुरली बात है उसमें खोट भरी पड़ी है, ठीक है ना। अगर 100% चांदी में से 40% ही चांदी और बाकी उसके अंदर गिलेट है तो वो तो वक्त के साथ काला पड़ेगा, आपके भाव को काला करेगा, आपको सोचने में मजबूर करेगा कि परमात्मा नाराज हो गए तो बेटा तुम्हारी भक्ति तो गई कुएं में, है ना। और वही अगर तुमने 95% शुद्धता के लक्ष्मी गणेश जी बनाए जो आगे काले ही नहीं पड़ेंगे, जब कपड़ा मारा और चमक गए, तुम्हारा कोई साइकोलॉजिकल भी होगा, अरे वाह मेरे भगवान तो खुश हो गए, है ना, अच्छे जा रहे। तो ये सारा खेल इन चीज़ों का ही है। जैसे हम मिलावट वाला खाना खाते हैं, प्योर ऑर्गेनिक खाते हैं, सेम फर्क है, समझे ना। तो जब ये चीज़ करें, या तो प्योर लो धातुओं में लेना है और या मिट्टी के बहुत बढ़िया, वो भी वही असर देंगे, तो यही इसका जवाब है। यानी कि कोई ऐसा नहीं है, जो बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते कि कौन से धातु होनी चाहिए, तो कोई भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप किसी इसी पर्टिकुलर धातु के लिए। अरे सोने का लो सबसे बढ़िया है। गुरुदेव वो जो लोग उधर लिख रहे होंगे कि पैसे कौन देगा। हाँ हाँ मिट्टी के लो कमाने तो यंत्र लो, मिट्टी के लो सोने से भी बढ़िया है। नहीं अगर सोने के चाहिए तो पहले यंत्र ले लो, सोने के आएंगे। ठीक है। अच्छा ये एक और चीज, जैसे कहते हैं कि हमेशा दाएं साइड ही रखना चाहिए लक्ष्मी माता को, गणेश जी के, ये क्यों ऐसा कहते हैं कि उनके दाएं भाग में ही रखो उनको, वो इधर साइड क्यों नहीं हो सकती, बाएं साइड क्यों नहीं हो सकती, दाएं साइड ही क्यों रखना होता है? ये हमारे यहाँ बेटा एक चैप्टर है वेदों में कि जब आशीर्वाद देना हो तो औरत किधर होनी चाहिए, या हवन करना हो तो किधर होनी चाहिए, इस तरह सारा वो एक साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है अलग अलग कार्यों के लिए। वहीं से उठा के कोई भी कुछ भी जोड़ता है, पर फिर वो हर चीज़ के साथ जोड़ने लग जाते हैं, तो ये चीज़ ऐसी नहीं है। रियलिटी में अब किसी भी चीज़ की गहराई में जाकर के देखे कि होना किधर चाहिए, ठीक है, तो नेचुरली बात है लक्ष्मी प्रबल है, ठीक है ना, तो वो दाएं पे रखो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तक एक विद्वान आ करके अपने तरीके से उसकी स्थापना करके नहीं आपको दे देता, तब तक तो आप उसे दाएं रखो या बाएं रखो कोई फर्क भी पड़ता है, समझे, उससे पहले उसमें कुछ नहीं है। अगर एक विद्वान, एक पंडित जी आ करके पूरी जिनको नॉलेज है, अब वो जैसे रख के जाएंगे वो ज़्यादा अच्छा है ना? तो ये चीज़ बजाय खुद करने के, दीपावली वाले दिन एक सच में गुरुकुल से पढ़े हुए आचार्य, जिन्होंने जिनके गुरुओं ने उनको ट्रेन किया है, ऐसे एक विद्वान को बुलाओ। क्या ले जाएगा, 500 नहीं लेके जाएगा, 1000 ले जाएगा, 2500 ले जाएगा, 3000 ले जाएगा, कुछ भी सही, ठीक है। अगर इतनी खास और इतनी बड़ी चीज़ पाना चाहते हो तो भाई थोड़े से पैसे पंडित जी को भी दे दो, ज्ञान भी दे के जाएंगे, चीज़ भी ठीक करके जाएंगे, और आपके भाव को शुद्ध करके कोई ना कोई ताकत दे करके आपको कमाई का साधन भी बता के जाएंगे। एक गुरुदेव इस बात से याद है, अभी हम हाल ही में किसी बाबा कहे जाते हैं उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने एक चीज़ कही कि जब लोगों के पास पार्टी करने के लिए बोलो तो बहुत लंबे ढेर सारे पैसे उड़ा देते हैं, लेकिन जब बात आती है पंडित को दक्षिणा देने की तो वहाँ वो कंजूसी कर जाते हैं। तो ये जैसा आपने कहा कि उनको अगर आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो उनको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे आपको, वहाँ कंजूसी लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब पूजा का समय शुरू हो रहा है तो हर घर में जो है लोग बुलाते हैं पंडितों को और वहाँ बहुत बार्गेनिंग करते हैं, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नहीं बेटा, एक फ़र्क पड़ गया है, फ़र्क ये पड़ गया कि एक गुरुकुल के अंदर काम करने वाला चपड़ासी भी मंत्र सीख सकता है, और वो वहाँ से नौकरी छोड़ के जाके कहीं मंदिर संभालने लग गया तो उसे अपनी विद्या पे कॉन्फिडेंस होता नहीं, लेकिन मंत्र बोलने आते, ठीक है। ये जब आचार्य बन के बैठ जाते हैं तो इनको जो मिल जाए ना ये उसमें संतुष्ट है, जो मिल तो गया। लेकिन जिसने पहले शास्त्री कर रखी है, आचार्य बना है, जिसने इतनी पीएचडी तक की पढ़ाई करी है, बेटा उनके मन की ना ये कुंठा बन के रह जाती है। लेकिन आज भी तुम देखो एक अच्छा आचार्य
अगर शादी के फेरे भी करवाने जाता है तो 21,000 से कम नहीं लेता, नहीं तो लाख रुपए तक लेने वाले बहुत लोग हैं, समझिए ना ये चीज। तो बात वही है कि इस रियल मास्टर कौन है, कौन इसका स्पेशलिस्ट है। वो अपनी दवा कभी भी कम पैसे में नहीं देता, क्योंकि उसने वाकई में अपना समय पैसा सब कुछ लगाया इस पे और उसको अपनी चीज़ पे भरोसा भी है। लेकिन जो है नहीं वो बने बैठे हैं, उनको जो मिल जाए बहुत हो जाए। तो अब ये दो चीज़ें होगी अलग अलग, ठीक है ना। तो ऐसे में लोग फिर बार्गेनिंग करते ही हैं, करते हैं समझे। लेकिन जिस दिन रेल के पल्ले पड़ते तब पता चलता है कि इसके पास ये कौन सी चीज़ आपको दे के जा रहा है, जिसका इतना बड़ा विधान है, इतनी बड़ी चीज़ है। वो जब उसको पूरा स्क्राइब करता है तब उन्हें पता चलता है कि वो कितनी कीमती चीज़ लेने लगे हैं। तब वो अपनी जेब से पैसे निकाल के उसको दक्षिणा के रूप में मोटी देते हैं। जो ये बता ही नहीं पाता कि वो दे क्या रहा है, तो बेटा उसके लिए तो बार्गेनिंग कर जाते हैं संगे। तो ये सच है, ऐसी बात नहीं, करते हैं। अब लोगों का पैसा बचाना तो एक तरह का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भाई जैसे हर चीज़ के लिए टेंट वाले के लिए नेगोशिएशन होती है ना, जो दहेज के लिए चीज़ें खरीद के लाते हो उनके लिए नेगोशिएशन होती है, बार्गेनिंग होती है। तो पंडित जी को भी पहले बार्गेनिंग कर लेनी चाहिए भाई। यही मैं पंडित जी को समझाना चाहता हूँ कि पहले बार्गेनिंग कर लो कि मैं आऊंगा तो इतने लूंगा, नहीं तो किसी और को बुला। गुरुदेव आज से आप पंडित लोगों के भी फेवरेट हो गए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे आज आपसे बेहद खुश होंगे। अच्छा एक चीज और, हम यंत्रों की बात करते, एक सवाल अचानक से दिमाग में आया कि बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं। आपने कहा कि 7 दिन पर एक बार करना है, अगर कोई 10 दिन के लिए ट्रेवल पे गया, उसने अपने घर पे यंत्र रखा हुआ है, तो उस टाइम तो वो रिचुअल या जो कम उसको करना है पूजा विधि वो नहीं कर पाया, तो क्या इससे उसका असर कम हो जाएगा? घर पे जो उपलब्ध है वो कर सकता है, नहीं तो आप एक पंडित जी की ड्यूटी लगा सकते हैं। और अगर आप मान लो 5-7 महीने के लिए ही बाहर जा रहे हैं तो पास के पंडित मंदिर के पंडित जी को देखे जाइए, वो ख्याल रखेंगे। अच्छा मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं ट्रैवल करते हैं और फिर उस टाइम पे उनको इस तरह से बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही घर पे खाली छोड़ देना वो ठीक है। एक और चीज गुरुदेव, ये भी मैंने रील से ही देखी है, लोगों के पैसे बहुत खर्च होते हैं। तो मैंने एक रील देखी थी, उसमें ये कह रही थी, एक महिला थी, वो कह रही थी कि अगर आपके पैसे बहुत ज्यादा जाते हैं तो कुछ 10-12 कौड़ियां ले, उसको बांधे, उसकी पोटली बनाए और घर के ब्रह्म स्थान पे या कहीं जहां आपके पैसे वैसे होते वहां रख दे, पैसा जाना बंद हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ, ऐसी कोई रेमेडी बताई गई है हमारे यहाँ? हाँ, आदमी पागल हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा खर्च करेगा या बिल्कुल जाना बंद हो जाएगा। घर का ब्रह्म स्थान बृहस्पति का स्थान होता है, कौड़ियां बृहस्पति के सख्त दुश्मन बुध ग्रह की होती है, समझे ना। वो महाभारत का द्योत नहीं देखा, वो पहले कौड़ियों से शुरू हुआ था, ठीक है। और जुआ खेलने के लिए आज की डेट में भी कौड़ियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो सही मायने में बुध ग्रह की चीज़ मानी जाती है। पीले रंग की कौड़ियाँ पक्का बुध होती हैं और उनको किसी भी कपड़े में बांध के ब्रह्म स्थान पर रखना, अगर देखा जाए ट्रीटमेंट की दृष्टि से, तो ये गलत है, समझ गए ना। हाँ अगर वो कहती ना कि ये बांध के आप अपनी तिजोरी में रखो तो बहुत अच्छा था, अपने बेडरूम में रख लो बहुत अच्छा था। लेकिन इसके पीछे भी एक चीज है, अब मान लो एक एनर्जी ड्रिंक है, क्या एक एनर्जी ड्रिंक सबको सूट करता है? हो ही नहीं सकता। एक एनर्जी ड्रिंक तक भी हर इंसान को सूट नहीं करता, तो आप तो इतनी बड़ी साइंस की बात अगर करने लगे हैं, ये कौड़ियाँ हर किसी को कैसे सूट कर जाएगी? नहीं तो तुम ब्रह्म स्थान तो छोड़ो बेटा, मेरा बड़ा खर्चा, मैं तो दोनों जेबों में भर के चलूंगा और वहां पर भी रखूंगा। यानी कि ये इस तरीके के उपाय काम नहीं करते? अरे बेटा इसीलिए एस्ट्रोलॉजी भी बदनाम हो गई, और तो कोई कारण नहीं था। क्योंकि आजकल हर जगह मतलब इतने सारे लोगों ने मतलब लोग रील्स बनाते हैं, बताते हैं, हर कोई बताता है एक उपाय कि अगर पैसे जाते हैं तो फलाना उपाय कर लो, अगर आपके आपकी सेहत खराब है तो ये उपाय कर लो। तो क्या वो उपाय सच में सब पे कारगर होंगे या वो बेकार ही ऐसे बताया जा रहा है और लोगों को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? बेटा बात पता है क्या, मैं कहीं बैठा हुआ था तो इसी तरह के सवाल चल रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई मेरे घर में 7 बच्चे हैं, उनके मित्र भी आ जाते हैं, तो कई बार 15-20 हो जाते हैं,
तो मैं मेरे घर में जब इतने सारे बच्चे खेलते मेरे को बड़ा आनंद आता है। तो इसी तरह से बेटा एस्ट्रोलॉजी जगत में भी बहुत सारे बच्चे हैं। अब मैं किस किस पे गुस्सा करूं और किस किस पे आनंद लूं मेरे को तो पता नहीं। तो यही जवाब था मेरा। लेकिन अब अगर तुमने ये कह ही दिया कि ये पैसे ज्यादा खर्च होते हैं या रुकते नहीं, तो मैं बता देता हूँ क्या एक उपाय बता दीजिए जरूर क्योंकि हम जहाँ कभी हैं यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, जल्दी कुछ बताइए, बहुत खर्चा होता है। बेटा पैसे ज्यादा ना खर्च हो इसके लिए सबसे पहले आपको ये सीधे हाथ पे लाल रंग का कलावा बांध के रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये मंगल को स्ट्रॉन्ग करता है। मेल फीमेल दोनों को इसी हाथ पर? नहीं, फीमेल के लेफ्ट होता है, मेल के राइट होता है। ये कलावा बांध के रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, उसको एक चांदी का चकोर टुकड़ा जो एक तोले का बना ले, कोने बिल्कुल निकले हुए होने चाहिए शार्प, मोटा होगा तो वो चुभेगा नहीं, पतला होगा तो वो चुभ जाएगा। ये हमेशा अपनी जेब में डाल के रखे, लेकिन पर्स में नहीं। समझे? औरतें जैसे छाती के साथ पैसे लगा के रख लेती हैं वैसे कर सकते हैं, आदमी ओपनली जेब में रख सकता है, ठीक है? उसको पहन सकते हैं पेंडेंट की तरह? वो तो लास्ट आ रहा है ना, ठीक है? तो पेंडेंट की तरह गले में भी पहन सकते हैं। ये रखो, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन यानी मंगल और चंद्रमा, ये आपको धैर्य और धैर्य वाली बुद्धि देगा, ठीक है? उससे भी आसान चीज ये कर सकते हैं, चांदी के अंदर 5-7 रत्ती का मूंगा ये रिंग फिंगर में पहन लीजिए, ठीक है? इमीडिएटली पैसों को ब्रेक लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप बाहर की मुसीबतों से तो बच जाओगे, घर पे अगर बीमारी है तो उसमें अगर जबरदस्त पैसे जा रहे तो फिर क्या करोगे? उसके लिए हर मंगलवार को गुड़ की चाशनी बनाओ। गुड़ की चाशनी बना के इतना ही आटा गूंदो जिसके 8 पेड़े बन जाए। उन 8 पेड़ों के आप रोटी बनवा के तंदूर में लगवा लो, नहीं तो कच्चा तवा मिट्टी का मिलता है, उसके ऊपर घर में ही एक तरफ सिकी हुई रोटी बनाओ, यानी कि जिस तरह से डाली है बस उसी तरफ से सिकी हुई होनी चाहिए, उसको पलट के दूसरी तरफ से नहीं बनाओ। पूरी पका के उसके छोटे 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 टुकड़े करके बाहर जाके पक्षों को डाल दो, समझ गए? ये जैसे जैसे रोटियां बन के हर मंगलवार को जाती रहेगी, घर से बीमारी खत्म होती रहेगी, समझ गए ना? तो ये बीमारियों पे पैसे जाने वाले भी बंद हो गए। और ये चंद्र मंगल यानी कि चांदी का चकोर टुकड़ा, लाल कलावा, नहीं तो चांदी में मूंगा, ठीक है? ये आपको ऐसी बुद्धि दे देगा जो राहु की शरारते, दिखावे में, अपने शौकों पे और जल्दी पैसा खर्च करने वाली जो प्रवृत्ति इंसान में पैदा हो जाती है, ये चंद्र और मंगल के अंदर ये गुण है कि इनको अगर हम प्रबल कर ले तो वो दिखावे वाली बुद्धि को खत्म करके आपको धैर्य और बचाने वाली बुद्धि अपने आप दे देगा और आपके हालात बन जाएंगे। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है ना? ग्रह खराब है तो अब वो क्या करेगा, आपको नरम दिल कर देगा। बच्चे ने मांगा तो दे दिया, फलाने ने मांगा तो दे दिया, आप उनको नाराज नहीं करोगे, ये खराब ग्रह करवाता है। और जो अच्छा ग्रह होता है, बच्चा अगर कहे कि नहीं मैंने ये खरीदना है, मैंने ये करना है, आप उसकी जिद को पूरा नहीं करोगे। आप पहले उसे समझाओगे कि ये किस तरह से तेरे लिए खराब है, ये अभी तू इसके काबिल नहीं है, ये मैं फलाने टाइम पे तेरे लिए करूँगा लेकिन आज नहीं करूँगा, ये आज नहीं करूँगी। ये जो रोकना है ना बेटा, ये सही बुद्धि वालों को आता है। और जो कहते कोई बात नहीं अपना ही तो है कर दे, समझे? वो जो दिखावे वाली कि हमारा बच्चा ऐसे थोड़ी या हमारा भाई बहन ऐसे थोड़ी, ये खर्चने वाली जो बुद्धि, ये खराब होती है। तो बचाने वाले जो है ग्रह, वो चंद्र और मंगल ही है, ये जरूर बचा के देंगे। मुझे लगता है कैमरे के पीछे मुकेश जी बैठे हैं, इनको भी उपाय जरूर करना चाहिए गुरुदेव, ये जो आपने रेमेडी बताई ना, ये बहुत लोगों पर काम करेगी। एक आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर जगह हम न्यूज में देखते हैं, रिसेशन का टाइम जैसे कहते हैं आता है तो लोगों की नौकरियां जाती हैं। अभी गूगल से सुनने में मिला, बहुत सारी कंपनीज जो है लोगों को फायर कर देती है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, इंसान बहुत पैनिक करता है, उनकी जॉब चली जाती है। नौकरी को जल्दी पाने के लिए या नौकरी बचाने के लिए या अपनी लाइफ में अपना करियर बनाने के लिए, ठीक करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? शायद तुम्हें पता हो, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है बहुत, पुराने समय में ना तालाब में बेड़ा छोड़ा जाता था, बहुत सारी बिरादरियों में, बहुत सारी जगहों पे कुआं पूजन होता था,
अभी होता है, अभी भी होता है, शादियों में कुएं करते हैं, जहां कुएं नहीं वहां तालाब पूजन होता है ना, कुआं पूजन, तालाब पूजन, और तालाब के अंदर बेड़ा छोड़ने वाला जो पूजन है, एक्चुअली में ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है, समझिए ना। ये कुएं पूजन जब किया जाता था तो उसमें आप दलिया डालते थे, कोई खीर डालता है, कोई दलिया डालता है। खीर जब डाली जाती है तो चंद्रमा छठे घर में, और जब दलिया डाला जाता है तो सूर्य छठे घर में। छठे घर में सूर्य हो, चंद्रमा हो, आदमी नौकरी जरूर लगती है, ठीक है। ठीक यही दोनों चीजें ये तालाब पे भी दी जाती है, और वहां एक अगर हम और चीज जोड़ ले तो देसी घी का हलवा भी, तो वो चंद्रबुध, वो भी छठे घर में हो तब भी नौकरी जरूर लगती है। बेड़ा, बेड़ा बांस का बनाते थे, वो बना करके उनको सजा सजो के वो उतारा जाता था, तो वो भी शनि बुध, वो भी छठे घर में हो तो नौकरी जरूर लगती है। अब जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मान लो अभी समय नहीं चल रहा है, नौकरी पे पहले रहे हैं लेकिन अब नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनको क्या करना चाहिए कि जाए, अब कुएं तो बचे नहीं, किसी अच्छे तालाब पे जा कर के वो नहाएं, और नहा के 6 सिक्के तांबे के ले जाएं, समझे, गोल ले जाएं, और एक एक करके तालाब के अंदर डाल दें। वो भी नहीं, घर से दलिया बना के ले जाए, पहले स्नान करे और बाद में वहीं अर्पित करके आए, ठीक है। खीर बना के ले जाए, वो अर्पित कर दें, तो जल्दी नौकरी लगने का, आज की डेट में कुएं बचे नहीं तो तालाब से बढ़िया इलाज कोई नहीं है। और अगर सबसे बढ़िया करना हो कि आपको 3 ही दिन के अंदर फल मिल जाए, तो ऐसी अवस्था में आप कुरुक्षेत्र जाइए, ब्रह्मकुंड में, वहाँ पर आप सुबह शाम की आरती करें 3 दिन के लिए, और हर बार एक तांबे का पैसा कुंड में आप विसर्जित करिए, ठीक है। आप ये करके देखिए, आपका दिया हुआ इंटरव्यू जरूर अप्रूव हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। जितने लोग जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, जो बहुत ही ज्यादा परेशान है, जॉब ढूंढ रहे हैं, जो चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, 3 दिन का उपाय, मुझे लगता है इससे छोटा उपाय आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी आप ढूंढ लीजिए नहीं मिलेगा। तो बहुत ही आसान उपाय आपने बताया गुरुदेव। जाने से पहले बहुत ही जल्द, जैसे कहा कि दिवाली पे जो है आने वाली है, बहुत सारे त्यौहार शुरू हो जाएंगे अब, तो एक यंत्र जो हर कोई ले सकता है और हर किसी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उनकी लाइफ आगे आने वाले साल में, आने वाले समय में बहुत ही अच्छी रहे, तो एक यंत्र क्या सजेस्ट करेंगे आप? बेटा, एक एक काम के लिए तो 500 प्रकार के यंत्र हैं, लेकिन मैंने बताया कि बड़े हों, बुजुर्ग हों, स्वयं हों, इनके लिए षोडश यंत्र से बढ़िया कोई नहीं है। देखो, षोडश पूजन और उसकी साधनाएं एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको प्रतिष्ठित करके उनसे रोज थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करना, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। उनका आशीर्वाद घर के अंदर सदा बना रहे, ये एक अलग चीज़ है सात्विक में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप कहीं से भी, चाहे हमारे यहाँ से या किसी और से भी, इन दिनों में प्रतिष्ठित हुए, समझिए ना, आप षोडशी यंत्र लीजिए, उनको आप स्थापित करिए, और ये सारी शक्तियाँ आपकी रक्षा करेंगी, मदद करेंगी, बस स्वयं और अपने बच्चों को षोडशी का जो मंत्र होता है वो आप जिनसे ले रहे हैं उनसे ग्रहण करें, और करके आपने ग्रहण कर लिया, आप आगे अपने बच्चों को भी दे सकते हो, तो वो उनको दे करके उनकी ज़िंदगी के ये नियम बना दीजिए। आप देखेंगे पहले साल यहाँ, दूसरे साल यहाँ, तीसरे साल यहाँ, यानी कि ये ग्राफ आपको ऊपर ही नज़र आएगा, कभी नीचे नहीं नज़र आएगा। तो इससे बढ़िया मैं नहीं समझता कि और भी हैं, लेकिन उनकी और प्रक्रियाएं और बहुत बड़े बड़े जो काम उनके लिए करने पड़ते हैं, उन सब से ये सिंपल है और बहुत अच्छा है। तो इस दिवाली अगर आप जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए या कुछ नया लेने के लिए, तो इस यंत्र को ज़रूर लीजिएगा। बाकी गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जब भी आते हैं बहुत सारी अच्छी बातें बताकर जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़, आप ऐसे ऐसे जो हम रील्स देख के मैं तो फॉलो भी करने लग जाती हूँ, और बहुत सारे लोग भी फॉलो करने लग जाते हैं, आप उनके लिए भी एक गाइड की तरह काम करते हैं, ये चीज़ें फेक हो रही हैं या ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारा आपको जो है बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले सभी तीज त्योहारों के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज आने के लिए। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, दाता सुख।
तो हमारे साथ आज गुरुदेव जी वशिष्ठ जी थे, जिन्होंने आपको बताया बहुत सारा जो है, बहुत सारी तरीके की चीजें। जैसे मैंने कहा, तंत्र मंत्र के बारे में सब जानते थे, यंत्र के बारे में बहुत कम लोग बात करते थे। और मुझे लगता है इस हमारे आज के इंटरव्यू के बाद अब हर जगह फिर से, क्योंकि हमें लोग देखकर फॉलो करते हैं, तो हमें देखकर अब लोग यंत्रों की बात बहुत करने वाले हैं गुरुदेव। तो और एक यंत्र जो गुरुदेव ने कहा है वो ज़रूर लीजिएगा इस दिवाली, आप ले सकते हैं और आपके जीवन में ज़रूर खुशहाली आएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले गेस्ट के साथ। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.